आज समय जगत के स्टूडियो में पधारे हैं संतोष मीणा। मीणा समाज के अखिल भारतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भाजपा नेता भी हैं, जनसेवक भी हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आखिर क्यों। मीणा समाज से बहुलता के कारण या और अन्य कारणों से कि हमें भी दावेदारी करने का मौका मिले इसलिए आप दावेदारी कर रहे हैं? देखिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ खातेगांव विधानसभा से। सतत लोगों के बीच में सेवा करने का कार्य कर रहा हूँ। सर्व समाज का वहाँ मुझे बड़ा स्नेह प्रेम है और खातेगांव विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा वर्ग बाहुल्य विधानसभा है और मैं स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते और समाज के भी सर्वाधिक वोट खातेगांव विधानसभा में है। इससे पूर्व में इंदिराजी की लहर में मीणा समाज के प्रत्याशी के रूप में गणपत पटेल जी भाजपा का परिचम नहलाया और उसी चीज को लेकर मैं सतत भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। सभी समाज का बड़ा स्नेह प्रेम है। संगठन को मजबूत करने के लिए मैं सतत लोगों के बीच में लगा रहता हूँ। चाहे मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो, उस योजना को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। भारत सरकार की सम्माननीय मोदी जी की जो योजना है, इस योजनाओं को मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूँ। सतत मुझे संगठन का जो निर्देश मिलता है, उस संगठन के निर्देश अनुसार मैं पार्टी में सतत काम करता रहता हूँ। आज कहीं ना कहीं खातेगांव क्षेत्र के जो बड़ी समाज हैं, गुजर समाज हुई, पवार समाज हुई, जाट समाज हुई, लोवंशी केवट समाज, वो अन्य समाज जो मेरे साथ जुड़ी हुई समाज है, वो सतत मेरा सहयोग करती है और अब उन लोगों की ये इच्छा है कि खातेगांव से मुझे स्थानीय प्रत्याशी के रूप में विधायक देखना चाहती हैं। उनके आदेश अनुसार, उनके स्नेह प्रेम अनुसार मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैंने वार्ड डाटा भी दिया है और पार्टी से निवेदन भी करा है कि यदि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छे कार्य किया है तो आप एक बार दिखवाएं और मुझे कुछ समर्थकों के कारण, अगर समर्थक कह रहे हैं कि आप दावेदारी करें तो उन कारणों से कि कोई आपका जमीनी ठोस आधार है? नहीं, जमीनी ठोस आधार तो है ही, जमीन पे काम कर रहे हैं जब भी कार्यकर्ता कह रहे हैं। कार्यकर्ता अभी कहीं किसी को ऐसे चलते कितना बाहुल है मीणा समाज का? मीणा समाज 28,000-30,000 के लगभग वोट है और सतत दीपक जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आई है। कभी भी कहीं किसी भी समय पे कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं करा, हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नीचे कार्य करने का काम करा। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से जो लोकसभा लगी है दीदी की, इस लोकसभा आठों विधानसभाओं में, चाहे वो सीएम साहब की विधानसभा हो, चाहे भोजपुर विधानसभा हो, चाहे विदिशा हो, पूरी लोकसभा में 2.5 से 3 लाख वोट हैं। हमारी दीदी सुषमा स्वराज जी जो सांसद हैं, उनको भी हमने विजय बनाने का कार्य किया और उनके साथ हमने सतत मेहनत करी। मुझे दीदी के आशीर्वाद और स्नेह से इछावर का प्रभारी बनाया और प्रभारी बना के मैंने उसमें मेहनत करके और दीदी को वहां से विजय बनाने का पूरा प्रयास करा और विजय बन के हम वहां से आए। आप समाज में भी, मीणा समाज में भी काफी एक्टिव हैं। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा के, तो समाज का भी आपको एक आधार बना के आपको लोगों ने कहा होगा कि समाज के, वैसे भी मीणा समाज को बीजेपी में बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, बहुत सारे विधायक हैं, मंत्री हैं जी, तो आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय मीणा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने पूरे मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित करी। पूरे मध्य प्रदेश में समाज में सतत में कार्य करने का काम करता हूँ। समाज में जहां भी जाता हूँ वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करता हूँ। सतत समाज का भी मेरे प्रति स्नेह प्रेम है। समाज का भी ये है कि हमें खातेगांव से प्रदेश अध्यक्ष जी को खातेगांव से प्रतिनिधित्व मिले, समाज का एक अच्छा सच्चा युवा विधायक बने और समाज को और भारतीय जनता पार्टी को उसका प्रतिफल मिले। आपके बायोडाटा में स्वयंसेवक का भी आपका जिक्र है कि आप स्वयंसेवक रहे 15 साल की आयु में, तो जब आप स्वयंसेवक रहे हैं और आप संघ के लिए इतना काम करते रहे तो उनके सर्वे में, उनकी टीम में आपका नाम ऑटोमेटिक आएगा, तो आपको बायोडाटा लगा के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? देखो, ये तो जिस प्रकार का पार्टी का जो रहता है, अपना परिचय देना किसी भी माध्यम से अपन देना चाहें तो परिचय मैंने पार्टी को दिया है। जितने भी मेरे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो अभी मेरी एक यात्रा निकलती है, इस बार चौथा वर्ष था
और सिद्धेश्वर नेमावर धाम है। यात्रा काय की? कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा का नाम शिव साधना कावड़ यात्रा है। 60 किलोमीटर की यात्रा है। नेमावर से बिजवाड़ 60 किलोमीटर तक 200 मंच श्रद्धालु और कार्यकर्ता मेरे लिए लगाते हैं। और 60 किलोमीटर सैकड़ों कार्यकर्ता दिया है भाई डोटा में, सैकड़ों कार्यकर्ता वरिष्ठ बुजुर्ग युवा और मेरे साथ जाते हैं और विजयेश्वर पे जाके जल चढ़ाते हैं और यात्रा को सफल बनाते हैं। एक अनंत चौदस पे मेरी यात्रा निकलती है, उसमें भी सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ उपस्थित रहते हैं। क्षेत्र की जनता का, सर्व समाज का मेरे प्रति बहुत स्नेह प्रेम है और मैं सतत सेवा में पार्टी में काम करता रहता हूँ। दीदी का भी मेरे ऊपर सतत स्नेह प्रेम है। दीदी से कहीं भी कोई किसी विषय को कार्य को लेकर यदि मैं उपस्थित देता हूँ, क्षेत्र की कोई बात आती है, तो निश्चित रूप में दीदी मदद करवाती है। दीदी ने अभी मुझे बीच में बुलाया, भोपाल दिल्ली बुलाया, दिल्ली भी गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद दीदी ने घाते गांव की स्थितियों को जानना चाहा। मैंने कहा दीदी आप देश की विदेश मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, एक बालक आपको क्या बताए, आपको सब जानकारी है। तो दीदी का जो स्नेह प्रेम मुझे मिला है दिल्ली से, उन्होंने कहा जाओ सतत, मीणा समाज के भी सार्वधिक वोट हैं, आप अच्छे कार्यकर्ता हो मेरे भारतीय जनता पार्टी के, आप जाके क्षेत्र में सतत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलो, क्षेत्र में लोगों की जनता में जनताओं की सुनो और कार्य करो क्षेत्र में। दीदी का आशीर्वाद मुझे मिला। अभी एक युवा साथी आपके पार्टी के आशीष शर्मा जी विधायक है, ऐसा क्या उनने गड़बड़ कर दिया कि आप ये दावेदारी है कि अब हमारे को टिकट दी जाए? उनके कार्यकुशलता से पार्टी खुश नहीं है क्या? देखो समय का नियम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सतत हर व्यक्ति कार्य जो करता है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर करता है, कहीं ना कहीं पार्टी में हमें कोई जवाबदारी मिले या पार्टी में अच्छा कार्य करके कोई ना कोई एक अच्छी पोस्ट हासिल करें या इस प्रकार का सेवा करने में और हमें मजबूती मिले, इस प्रकार का एक मन में सब लोगों का भाव रहता है। उस भाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्य करता है कि भैया कहीं ना कहीं अच्छी जगह मिले, अच्छा कार्य करें और लोगों को बड़ा फायदा पहुँचाए लोगों तक, इस प्रकार की भावना रहती है। खाते गाँव को लेकर जो पार्टी का जो स्नेह प्रेम था, भारतीय जनता पार्टी दीपक जनसंघ के समय से खातेगांव विधानसभा भाजपा में रही है और भाजपा में हर हमेशा परिचम भाजपा का लहराया है। हमने भी प्रयास करके मेहनत करके उनको विजय बनाया, पर क्षेत्र की अब स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं कई तरह के विषय रहते हैं, अनुकूल रहते हैं, कई स्थितियां रहती है। मगर अभी देखने में आ रहा है आपके विधायक की बहुत नाराजगी है, प्रदेश कार्यालय तक आ रही है, लोग आके शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसा कोई आपको लगता है कि कोई उनको हटाया जाना उचित है तभी पार्टी अब जीत पाएगी? वहाँ का जो माहौल अभी निर्मित हुआ है, एक तो स्थानीय मुद्दा बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। वो स्थानीय नहीं है? वो स्थानीय नहीं है। क्या है, खातेगांव खुद विधानसभा है और अभी तक कन्नौत के व्यक्ति को टिकट मिलती आई है, तो इसीलिए जनता जो क्षेत्र की चाहती है कि हमारे जब खातेगांव विधानसभा है तो स्थानीय व्यक्ति को और पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को और किसान को मतलब नंबर आना चाहिए या उन्हें चांस मिलना चाहिए। तो खातेगांव की जनता भी ये चाहती है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति विधायक बने, ये लोगों की मानसिकता है, कार्यकर्ताओं की मानसिकता है, उस मानसिकता का आधार। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, अब आचार संहिता भी लग गई है और दावेदारों के अपनी दावेदारी चल रही है, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। अब देखना यह है कि खातेगांव विधानसभा सीट से जो संतोष मीणा के दावे हैं वो पार्टी को कितने दिखते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता सभी भोपाल में हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अब इनके दावेदारी पे आगे आने वाले दिनों में जरूर अपन देखेंगे कि क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं, और दावेदारी की जो बात है जो संतोष मीणा जी ने अपनी बातों से जाहिर की कि उनका दावा क्यों वो टिकट के दावेदार हैं, क्यों वो जीते, इनने उनमें बेबाकी से बात रखी, इसके लिए हम उनका स्टूडियो में बहुत स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।